अभी जिनके साथ हूँ इनको देवी आता है और जो ये बताएंगे देवी के बारे में बताएंगे, जब इनके शरीर में देवी आता है तो इनको कैसा एहसास होता है और उस एहसास के बारे में आप बताइए। देवी मेरे को ना जैसे कि जैसे मैं नाम ले लेता हूँ जिस देवी का है ना, उस देवी ना मेरे धीरे धीरे तो हाथ पैर को थोड़ा सा हिलाता है, हिलाने के बाद ना सीधा अपने सिर में चढ़ जाता है और चढ़ जाने के बाद ना अब मैं कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे को कैसा हो रहा है, वो क्या बात हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। वो देवी वो जैसे पब्लिक बैठे रहते हैं उनको बताते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। तो और उसके बाद आपका शरीर का एहसास कैसा होता है? हाँ, मेरा शरीर शुरू शुरू में मेरे को पता चलता है कि मेरा शरीर हिल रहा है, तो इसी मैं महसूस करता हूँ कि मैं देवी मेरे शरीर पर समा रहा चल रहा है। उसके बाद मतलब आपको कुछ एहसास हाँ, नहीं हो जाता है? और उसके बाद जब वो लोग आपसे बात करते हैं कुछ करते हैं तो हाँ, कुछ मेरे समझ में नहीं आता, नहीं आता। कि क्या बात हो रही है क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। और अभी जैसे जतरा त्यौहार था जब जैसे आप नाचे और ये सब चीज़ किए तो उस समय आपके पास देवी समाया हुआ था, जब देवी चली जाती है तो आपको वो थकान और वो सब चीज़? हाँ, वो तो थोड़ा सा हल्का थकान तो होता ही है, लेकिन जितना थकान होता है उतना मेरे को नहीं लगता है कि थकान हो रहा है। और जैसे अब जो जो कराती है वो सब पूरा देवी कराती है आपको, जो शरीर को नचाती है या ना? अब देवी की पर अपना मतलब आपके शरीर अपने पे... जो मेरे मन से नहीं होता है वो उनको माता रानी के थी वो मेरे शरीर पर होता है, मैं जो भी होता है तो उसी के कारण होता है। तो मैं जितना इन्फॉर्मेशन जितना जानकारी इकट्ठा कर पाया इस जतरा परंपरा त्यौहार के बारे में, मैं यहाँ के लोगों को पूछा कि यार कैमरे में आके अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो क्या? तो हाँ, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा शाय है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि उन लोगों को कैमरा पे लेके आने का, पर हाँ एक दो लोग आए पर ज़्यादातर लोगों ने मना किया, तो बेटर है कि वो सब इन्फॉर्मेशन मैं ही दे दूँ आप लोगों को जितना मुझे नॉलेज हुआ है। तो जो जतरा फेस्टिवल है, जो जतरा त्यौहार है, इसको 3 साल या 2 साल के इंटरवल में बनाते हैं और यहाँ पे जो परंपरा है सदियों से 200-300 साल से जो चलती आ रही है, पूर्वजों से पूर्वजों के द्वारा जो चलती आ रही है ये जो परंपरा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन ये फॉलोअप करते आ रही है इस परंपरा को, और इस परंपरा का नाम है जतरा, जो 2 से या 3 साल के इंटरवल में बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे एकदम लाइक उस तरीके की जानकारी नहीं मिल पाया है कि लाइक ये फेस्टिवल बनाने का कारण ही क्या है। तो जितना मुझे ये पता चल पाया है उसमें सिर्फ ये पता चल पाया है कि ये अपनी जो कुल देवी है, जो भी इनकी मन्नतें रहती है लाइक फसल हो गए या घरों में जो तकलीफ़ें हो गए या तबीयत ठीक हो गया, ये अपनी जो देवी को मानते हैं और इनकी जो देवी इनको जो रक्षा करती है, इनको जो रक्षा कवच प्रदान करती है, उन सब चीज़ को थैंकफुल करने के लिए ये 2 से 3 साल में ये परंपरा बनाते हैं गांव, हर गांव में। तो आपने वीडियो पे देखा ही होगा कि कैसे देवी आती है और देवी
जो है डांस करती है, डांस करती है, खुश रहती है, और जितने भी लोग हैं जिनके भी मनोकामनाएं पूरी होती है या फसल हो गई या जो उनकी जो रक्षा करती है वो खुश रहते हैं, और उस देवी को जो इनका जो फेथ है वो लाइक रिस्पेक्ट है, और वो इंजॉय भी करते हैं लाइक पार्टी, लाइक हमारा जो दिवाली इनके लिए वो जत्रा। लेकिन हमारा दिवाली साल में एक बार आता है, बट इनका जो जत्रा है दो या तीन साल में एक बार आता है, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये भगवान को थैंकफुल करने के लिए बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जितना मुझे पता चल पाया है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ, और जो देवी आती है मैं उनसे भी बात किया, तो लाइक उन्होंने बताया कि जब वो आती है उनके शरीर में तो उनको वो होश नहीं रहता है, ठीक है, वो जो नाचते हैं या जिस तरीके से वो बात करते हैं, या अगर आप उनके पास जाओगे और अपना प्रॉब्लम्स बताओगे और वो बताएंगे कि आपका प्रॉब्लम्स इतने दिन में दूर हो जाएगा, इतने दिन में ठीक हो जाएगा, वो एक देवी बात करते हैं। बाद में जब वो देवी चले जाती है तो इनको वो होश नहीं रहता है, वो जो बात किए हैं या जो चीज़ बताए हैं कि कैसा करना है कैसा नहीं करना है वो चीज़ इनको याद नहीं रहता है। जब नॉर्मल वे पे आ जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता है, और जब वो डांस करते हैं या जब वो देवी आती है नाचते हैं जो भी करते हैं वो किसी तरीके का याद नहीं रहता है। हाँ, बाद में इनका बॉडी पेन होता है जब होश में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, इतना डांस मुझे तो नहीं होगा, लाइक इतना बहुत धूप है, 40 डिग्री का गर्मी है, ठीक है, 40 डिग्री मई का महीना है, 40 डिग्री गर्मी है, इस गर्मी में इस तरीके का डांस, और इस मतलब अब मॉर्निंग से शुरू हुआ है ये जो फेस्टिवल है, मॉर्निंग से 9 बजे से शुरू होके रात के 12 बजे तक ख़त्म हुआ है, आप सोच सकते हो। ऊपर से फास्टिंग भी है, आपको खाना अलाउ नहीं है, ये जो पूजा पाठ जब चलता है ऑब्वियस सी बात है, हम दिवाली या नवरात्रि में जो हम बनाते हैं उस टाइम पे हम उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो ये फास्टिंग रख के और इस तरीके का डांस और इस तरीके की एनर्जी भाई अनबिलीवेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे लाइक देखने मिला, समझने मिला, हाँ मैं बचपने में देखा था तो इस चीज़ों को मैंने कभी वीडियो या ब्लॉग तो किया नहीं है, बट हाँ मुझे पता था ये कल्चर के बारे में, तो जब मुझे पता है अपने ये मेरा ही गांव है तो क्यों ना इस जानकारी को आपके साथ शेयर करूँ, छत्तीसगढ़ या दुनिया के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों का प्यार रहा तो और भी अच्छे ब्लॉग्स और भी अच्छे कल्चर्स ढूंढ के निकालूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लोकेशंस भी अच्छे अच्छे जाऊंगा, अच्छे अच्छे शहरों सिटी दुनिया के बाहर घूमूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस ये थोड़ा सा मुझे जो जानकारी मिला जत्रा त्यौहार के बारे में, जत्रा परंपरा के बारे में, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से देवी प्रथा होती है, किस तरीके से उनके शरीर में आता है, बस वो आता है वो भी ठीक से वो बता नहीं पाते हैं कि यार क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद क्या फील होता है, वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे जितना उनसे समझने मिला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आता है देवी तो उनके उस टाइम पे उनको होश नहीं रहता है, बाद में चली जाती है तो वो होश आता है, तो फिर हाँ ऑब्वियस सी बात है बॉडी पेन और ये सब चीज़ें भी होती है। और जब वो देवी आती है तो सब लोग की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मनोकामना है, वो उन देवी से बात करके और अपनी इच्छाएं बताते हैं, और उसके बाद जो मनोकामना पूरी होने के बाद वो देवी को लाइक अपना मनोकामनाएं पूरी होती है तो फिर वो थैंकफुल करते हैं। सिर्फ जत्रा पे नहीं, हर इतवार को यहाँ हर संडे को भी इनका पूजा पाठ किया जाता है, बट हाँ इस तरीके से नहीं होता है, ये सिर्फ जो मैंने वीडियो पे दिखा रहा हूँ ये सिर्फ जत्रा पे ही किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ को आपको इस वीडियो पे इस परंपरा के बारे में बहुत सारा जानकारी और नए तरीके का नया कल्चर आपको जानने का मौका मिला होगा।
और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए और लाइक शेयर तो बनता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो टाटा बाय बाय।